तो एक बहुत ही चैलेंजिंग केसेस हमारे पास है। अजीजुर रहमान जो बांग्लादेश से आए हैं, कहाँ रहते हो बांग्लादेश में? बांग्लादेश राजशाही डिस्ट्रिक्ट, राजशाही में रहते हैं। हाँ, तो विभाग नौगा जिला, नौगा डिस्ट्रिक्ट जी। इनके अभी तक तीन ऑपरेशन हुए, तीन ऑपरेशन, एक राजशाही में हुआ, एक राजशाही, फिर ढाका में हुआ, फिर वेलोर में हुआ, फिर वेलोर में हुआ। जो पहला ऑपरेशन था वो कब हुआ था? 2014 का। तो इनको यहाँ पेन हुआ, एक्सरे किया गया तो पता लगा है ट्यूमर है, ऑपरेशन उन्होंने किया ट्यूमर निकालने के लिए, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ज्यादा हुआ, ट्यूमर निकल नहीं, तो बीच में रोक दिया, फिर वो तो ट्यूमर नहीं निकला, वो बट ब्लड कंट्रोल किया, ब्लड कंट्रोल किया, उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को पास रेफर किया। ठीक है, ठीक है। फिर वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएगा, हाँ, वो देखेगा, बोलेगा जी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ तो कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, अच्छा। तो इन्फेक्शन के लिए उधर में एक महीना थकेगा, ठीक है, कोई इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, वो बोलेगा जी मेडिसिन चल पाएगा, ठीक है, ओनली 6 मंथ के बाद वो घर जाओ, फिर घर आएगा, 6 मंथ कंटिन्यू ड्रेसिंग। अच्छा। और एंटीबायोटिक लेने के बाद ठीक हुआ, ठीक हुआ, बट जो प्रॉब्लम तो थकेगा, हाँ, ट्यूमर का प्रॉब्लम सेम रहा, सेम बैक जा ढाका में। वो बोला जी क्या करेगा अभी, अभी तो सूख जाए इन्फेक्शन खत्म, वो बोलेगा जे ऑपरेशन लगेगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट उधर, ठीक है, ठीक, उधर नहीं करेगा जे, उसके बाद सीएमसी में करेगा, सीएमसी वेलोर, हाँ, सीएमसी वेलोर बाइपोलर लगाया गया। तो वो कब हुआ आपका? 2017। उसके बाद जब ये बाइपोलर कर दिया, फिर आप चलना शुरू कर दिया? बाइपोलर के लिए वो बोला जे एक साल लगेगा भालो हो चुकी जाएगा, वो बोला देखा से अच्छा है, अच्छा है बोला, एक व्यायाम सिखा दिया, व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो ज्यादा पेन हुआ। अच्छा। तो चलना पाएगा, ज्यादा पेन हुआ। अच्छा। इसलिए एक लाठी में, माने बम्बू का लाठी, थोड़ा थोड़ा हल्का पेन दिए दिए मन लेंगड़ा लेंगड़ा के हाथ के लिए। उसके बाद 2 साल के बाद धीरे धीरे पेन ज्यादा हुआ, आबार क्रैश लेना पड़ेगा। मतलब पेन कभी भी ठीक नहीं, पेन कभी नहीं ठीक नहीं, तब से पेन चल ही रहा, पेन चल गया, अभी तक पेन है। और अब आप दो क्रचेज के साथ, दो क्रचेज, एक्सरे में आप देखेंगे कि बाइपोलर से पूरा स्टेबलम सॉकेट जो है डैमेज हो गया है, और जो बाइपोलर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता, माइग्रेट हो रहा है, सीमेंटेड है तो इसको निकालने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, और जब सीमेंटेड को निकालते हैं वो पूरी बोन को डैमेज कर देता है। एंड ही इज जस्ट 33, वी कैन नॉट डू ए टोटल फीमर रिप्लेसमेंट, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी किया तो वो हर 5 साल के बाद इनका ऑपरेशन होता रहेगा, तो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो इसलिए चैलेंज यही है कि ही इज़ ए यंग पेशेंट, जो अबुल कलाम का हमने किया था बांग्लादेश से आए थे, ही वॉज 72, तो अब 33 है, तो यू सी, तो सर दिस इज़ द चैलेंज। एनी वे, एक बार एग्जामिन करते हैं अजीजुर रहमान को। तो सबसे पहले है कि लेग लेंथ छोटा, घुटना नीचे रखो ऐसे, तो लगभग 1.5 इंच का डिफरेंस है लेग्स में, और दूसरा मसल्स में भी डिफरेंस है। कितना मोड़ सकते हो इसको? फ्लेक्शन इज अराउंड 45। और ऐसे दर्द है? ना, ऐसे कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं, बिल्कुल फ्री है, बेसिकली वो प्रॉपरली उसमें है ही नहीं, सॉकेट के बाहर ही है, बाहर, ठीक है, रिलैक्स, ऐसे दर्द नहीं है, ऐसे हल्का दर्द, लेकिन जब इसमें वजन डालते हैं तो दर्द डालते हैं, ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए हमें स्पेशल इम्प्लांट्स की ज़रूरत है, बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है, बहुत सारा बोन ग्राफ्ट, बड़ी सॉकेट, और अगर हमें ये करना है तो इसके लिए एक ऐसा स्टेम चाहिए जो पूरा नीचे तक आएगा। इसको हम चेक करेंगे, अगर हमें लगता है कि सीमेंट पूरा मजबूत है अभी, ओके, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, तो ये फैसला हम जब अंदर जाएंगे ऑपरेट करेंगे तब चेक करेंगे। हाँ, ये तो करना है सारा ऊपर, बाइपोलर हटाना है, सॉकेट नया बनाना है और उस पर लगाना है। तो एक बहुत डिफरेंट टाइप का केस आपको दिखा रहे हैं, ये अजीजुर रहमान हमारे पास आए हैं बांग्लादेश से, राजशाही से, राजशाही से आए हैं। इनको अब से 2013 यानी अब से 11 साल पहले पेन हुआ था हिप में, राइट हिप में, और उन्होंने जब एक्सरे किया तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिफरेंस, इधर ये नॉर्मल बोन है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बोन में कुछ चेंजेस हैं, और ये डायग्नोज किया गया कि यहाँ पर शायद कोई ट्यूमर है, हेमेंजियोमा या कुछ इस तरह का ट्यूमर उन्होंने बताया। ऑपरेट हुआ और कुछ दिनों के बाद फिर गिर गए थे, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी कि ट्यूमर की वजह से सारी बोन यहाँ तक डैमेज हो गई,
और यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया और पेशेंट उसके बाद चल नहीं पाए। इससे पहले पेशेंट चल रहे थे, ये था 2014 का एक्सरे है, उस टाइम अजीजुर की उम्र थी 27 साल। तो फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर उनका वो ट्यूमर वाला सारा पार्ट निकाल दिया गया, यहाँ तक पूरी फीमर हटा दी गई और ये एक मेगा प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं हम, ये डाल दिया गया। वैसे प्रोसीजर ठीक था, ट्यूमर को एक्साइज करना बिल्कुल राइट डिसीजन था। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि इनका बाइपोलर रिप्लेसमेंट किया गया। उस टाइम उम्र 27-28 साल था। यस, 27-28 साल के पेशेंट में बाइपोलर करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो जो हमारा एसिटाबुलम यहाँ पर था इस जगह पर, वो जो पूरी बोन यहाँ तक थी, एसिटाबुलम जो बाइपोलर हम यंग पेशेंट में जब करते हैं तो पूरी बोन को ख़राब कर देता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। तो ये इस तरह से चलता रहा। दूसरा इसमें जो चीज़ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, इसमें उन्होंने सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया। अगर आप यहाँ देखें, ये पूरा सीमेंट है यहाँ पर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम इसको रिमूव करेंगे तो ये पूरा बोन यहाँ तक, ये पूरा बोन डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज़ वन, दिस आर टू बिग इश्यूज़। तो आप देख ही सकते हैं कि पहले एसिटाबुलम तो डैमेज होना शुरू हो ही गया है और पेशेंट अब हमारे पास आए हैं 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद अब ये पिक्चर हमारे सामने कि ये और भी ज़्यादा ऊपर माइग्रेट कर गया है। तो अब आप देखेंगे बोन यहाँ तक एक तरह से डैमेज हो गई है। एक्चुअल एसिटाबुलम हमारा ये होना था यहाँ पर। तो अब हमें ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है इसको यहाँ पर लेके आना है एंड इट्स नॉट ईजी जॉब। ऑलमोस्ट 2 इंच नीचे लेके आना है। ये पूरा फिक्स्ड है और ये डिसीजन हमने सोचा था कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमें लगेगा कि ये लूज़ होगा इम्प्लांट तो इसको निकाल देंगे, इसकी जगह पर नॉन सीमेंट इम्प्लांट डालेंगे और यहाँ पर भी नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाएंगे। लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है क्योंकि बोन सिर्फ इस एरिया में है, इधर कोई बोन नहीं है, और इसको इतना नीचे लाना और वो भी 10 साल के बाद, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। यंग पेशेंट है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हम सर्जरी करने गए तो हमने देखा तो दिस स्टेम इज़ वेरी वेल फिक्स्ड, इसको रिमूव करने का कोई मतलब नहीं था। हमने इसको रिटेन किया, इसको नीचे लेकर आए, बाइपोलर कप को हटाया और इसकी जगह पर हमने लगाया नॉन सीमेंटेड कप। तो ये इनकी फाइनल पिक्चर है और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ इधर बोन थी, फिर हमने कुछ बोन जो यहाँ बची हुई थी उसका भी इस्तेमाल किया है और ये नॉन सीमेंटेड इसमें हमने कप लगाया है और सेम स्टेम को हमने इसी में फिट कर दिया है। तो अब इनकी लेग लेंथ इक्वल है, थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी इनको 1 सेंटीमीटर लंबा लगता है। जैसे जैसे पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर भी कंपेंसेट हो जाएगा। तो अजीजुल का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं सर्जरी के बाद और इसमें आप देखेंगे पैर ऊपर करें सर, अब पैर थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्योंकि पेल्विक टिल्ट है हमारा। अदरवाइज हमने जो पहले कितना छोटा था, डेढ़ दो इंच छोटा था, अब बराबर है। लेकिन वो जो थोड़ा सा लग रहा है लंबा है वो इसलिए है, पेल्विक टिल्ट है इसलिए। अदरवाइज नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल एंड सबसे अच्छी बात कि जो हम करना चाहते थे हम कर पाए। कई बार क्या होता है, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बट यू आर लकी, हमारी मेहनत कामयाब है, ठीक है। तो आपने जो पेशेंस रखा, बीच में तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ, लेकिन ये हमारे साथ रहे और किसी भी चीज़ के सक्सेस के लिए पेशेंट का, डॉक्टर्स का और पूरी टीम का साथ रहना जरूरी है, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है।